हेलो स्टूडेंट। तो जैसे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि हिस्ट्री के पार्ट्स देखे आपने, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से हमने मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में। और फिर अब आगे ये सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में अपन ये देख रहे हैं कि सरकमस्टेंसेस किस तरह से भारत के खिलाफ बनती गई। पहले जैसे मुगलों का शासन था, आपने मिडिल हिस्ट्री में देखा हुआ है, तो ये परिस्थितियां कैसे इस तरह से बनी कि भारत जो है बाद में अंग्रेजों का गुलाम हो गया, जैसे आम भाषा में सब आप लोग जो है सुनते हैं। फिर हमारा ये स्ट्रगल हुआ, तो इस पे आप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो चेंजेस आए, पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया था, इस पे आप देखेंगे 1608 में जहांगीर ने अनुमति दी किसको, है ना। फिर दूसरा 1615 में ये हाकिंस आए थे, 1608 में जहांगीर ने इनको अनुमति दी। और उसके बाद 1615 में फिर थॉमस रो आए, इन दोनों लोगों ने मिल के 1615 में ये 31 दिसंबर 16 में पहला सूरत वेस्ट में और ईस्ट में हुगली में बंगाल में किसने, अंग्रेजों ने ये फैक्ट्री स्थापित की बिजनेस करने के लिए। अब क्या क्या बिजनेस इसमें करेंगी ये, स्पेसिस कॉटन रॉ सिल्क सुगर टेक्सटाइल इंडिगो, ये बिजनेस करने के लिए इन लोगों ने ये फैक्ट्री स्थापित किया। कहां पे, दो जगह पे। फिर उसके बाद फिर से आप देखेंगे यहाँ पे शाहजहां ने 1661 में कासिम बाजार और पटना में अनुमति दी। और उसके बाद जो है ये दोनों जगह शाहजहां अनुमति अनुमति दी। और जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब के आने पे औरंगजेब ने ट्रेड फ्री एक फरमान जारी किया कि ये जो है इनको निशुल्क जो है पूरे भारत में टैक्स फ्री फरमान जारी कर दिया कि बिजनेस करने की अनुमति दे दी, स्पेशली बंगाल में। अब उसके बाद आप यहां देखेंगे कि ये बिजनेस इधर कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये अंग्रेज कर रहे हैं, ब्रिटिश कर रहे हैं। भारत में लोग आप पहले देखेंगे, जैसे पहले सब लोगों को ये पता है कि 1498 पहला नाभिक आया वास्को डी गामा, तो मीन्स क्या हुआ, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज आए। फिर भारत में कौन आया, डच आए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा और बहुत बड़ा बिजनेस का एक हब था। और ये विदेशियों को ये समझ में आ गया कि यहाँ बहुत अच्छा व्यवसाय हम करके लाभ कमा सकते हैं, तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, देन ब्रिटिश और फिर फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी। और इस तरह से ये चार आप देखेंगे विदेशी यहाँ पे भारत में आए, लेकिन मेन जो इनका डच का था, ज्यादा विस्तार नहीं हुआ बिजनेस का। थोड़ा सा गोवा और बॉम्बे में जो है पुर्तगीज का विस्तार हुआ, और मेन जो डेवलप करने में सफल रहे वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सफल रहे। अब यहाँ पे आगे इन दोनों के बीच में जो है काफी ट्रेड वार चलता है, एक व्यवसायिक जो कंपटीशन चलता है इन दोनों के बीच में ही चलता है। तो फ्रांसीसियों ने कहाँ कहाँ पे, चंदन नगर में, बंगाल में, माही में, केरला में और पुंडुचेरी में, ये यहाँ पे पुंडुचेरी से इसका डुप्ले इनका फ्रांसीसी गवर्नर था, उसका सबसे ज्यादा नाम अभी आगे आप देखेंगे, तो यहाँ पे गवर्नर बनाया पुंडुचेरी का। और ये 3 जगह पे फैक्ट्री स्थापित किया इन लोगों ने, फ्रांसीसियों ने, और उनने भी अपना व्यवसाय विस्तार चालू किया। और यहाँ आपने अंग्रेजों का देख ही लिया है कि ये दोनों जो है सूरत में और हुगली में बंगाल में इन लोगों ने अपना व्यवसाय, पहली फैक्ट्री स्थापित करी। और बाद में फिर इनको शाहजहां ने 1661 में कासिम बाजार जो बंगाल में है और पटना आप जानते ही हैं, प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र अच्छे से बच्चे जानते होंगे, यहां पे इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। यहां पे एक घटनाक्रम और बीच में आता है जो अंग्रेजों के पक्ष में जाता है। एक बड़ी घटना एक होती है कि जो चार्ल्स द्वितीय था, जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन का, तो वहां पे क्या होता है, पुर्तगीज जो राजकुमारी है उसके साथ शादी हो जाती है प्रिंसेस की 1668 में, और इनको दहेज में, डॉरी में इनको दे दिया जाता है क्या, मुंबई। अभी पुर्तगालियों ने 2 ही जगह अपना व्यवसाय स्थापित किया था, जो सबसे ज्यादा इनका व्यवसाय बिजनेस जो है आगे बढ़ा था वो था मुंबई में। और यहां पे चार्ल्स द्वितीय की शादी में 1668 में मुंबई दे दिया गया किसको, अंग्रेजों को दे दिया गया। तो ये एक अंग्रेजों के लिए, ये ब्रिटिश के लिए और एक प्लस पॉइंट जो है, मील का पत्थर साबित हुआ। और उधर भी महाराष्ट्र में,
उस तरह भी इन लोगों ने अपने व्यवसाय बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनको एक और अच्छा मौका मिल गया। तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम होता है भारत में। औरंगजेब के साथ में रहते हुए भी यहां से आप देखेंगे कि जहांगीर से स्टार्ट होता है 1608 में, और उसके साथ आप देखेंगे यहाँ पे कासिम बाजार और पटना में शाहजहां के समय में, और इन लोगों ने औरंगजेब से भी बिजनेस अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए अनुमति लेने में सफलता हासिल कर ली, और बंगाल में जो है और कई जगह पे इनके व्यवसाय का विस्तार हुआ और आगे बढ़ता चला गया। और दो ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में दो व्यवसायी आ गए व्यवसाय करने में, फ्रांसीसी और ब्रिटिश दो लोग आ गए, और दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, और ये इस तरह से कंपटीशन बढ़ा कि युद्ध तक जा पहुंचा भारत में यहां पे। अब यहां परिस्थितियां क्या हुई, यहां पे औरंगजेब के बाद विस्तार खत्म हुआ, छोटे छोटे यहां पे आप देखेंगे, मैंने एक छोटा सा वर्ड यूज किया है कि सूबेदार और जमींदार, छोटे छोटे सूबेदार और जमींदार बहुत सारे भागों में डिवाइड हो गए। जो एक विस्तार भारत का था और एक केंद्रीय शक्ति थी दिल्ली में, जो सभी आक्रमण को और आक्रांताओं को दूर भगा के और एक रखने का काम करता था, वो खत्म हो गया, और बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे सूबेदार और जमींदार ने इसकी भूमिका ले ली। उधर आप पंजाब में रणजीत सिंह और सिखों का उदय हो गया, उधर आप हैदर अली को सुनेंगे, साउथ में अभी आगे इसमें एक लेसन आएगा हैदर अली और टीपू सुल्तान का, आप देखेंगे वो हो गए, इधर मराठे हो गए, और इस तरह से करके बंगाल में अलग अलग नवाब हो गए, वो भी तीन चार लोग, छोटी छोटी एरिया को डिवाइड कर दिया, और इस तरह से पूरे भारत में एक कोई बड़ा कोई ऐसा आदमी नहीं बचा, कोई ऐसा राजा नवाब नहीं बचा जो अंग्रेजों को या फ्रेंसीसियों को कम्पीट कर पाए या उनकी बातों को समझ भी पाते। तब तक इन दोनों के व्यवसाय काफी आगे बढ़ चुके थे, और दोनों के बीच में व्यवसाय बढ़ाने के लिए युद्ध तक स्थितियां जा पहुंची, उनका डिस्कस हम वीडियो थर्ड में करेंगे। अब जब इनका दोनों का आपस में लड़ाइयां होंगी, युद्ध होंगे, उस पर फिर कौन जीतता है और आगे कौन फिर कंटिन्यू यहाँ पे रह पाता है, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस पे यहां तक अपन क्लियर करते हैं कि अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड वार चालू हो गया, किसका, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। अब इस वार का अपन जो है नेक्स्ट थर्ड वीडियो में डिस्क्राइब करके फिर भारत की स्थितियां क्या होती, फिर आप देखेंगे एक नई चीज सामने निकल के आएगी। इस पे एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर आपको बता दूं कि भारत का जो है लगभग 30% जो हिस्सा था, 30 से 35 कह सकते हैं, वो आपका उस समय बंगाल कहलाता था। बंगाल में उस समय आपके उड़ीसा, आपका बिहार, अभी आपके बहुत सारे और भी एक दो स्टेट बन गए हैं, वो सब उधर ही थे आपका, और भारत के अंदर पूरा उधर बांग्लादेश तरफ की पूरी सीमा इसके अंदर थी, और बहुत बड़ा एक एरिया कहलाता था, और जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ था, व्यापारियों को अपने व्यवसाय करने के लिए एक बहुत अच्छा जो है रास्ता उनको मिल गया था, और वही एक ऐसा समुद्री तट था जहां से विदेश और यूरोप में सभी जगह हम व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते थे, रॉ मटेरियल ला सकते थे, भेज सकते थे। और सबसे पहले इन लोगों ने उस पर ही नजर रखी कि वही एक ऐसा बंदरगाह था, एक ऐसा एरिया था जहां से हम व्यवसाय को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, जिस पे आगे फोकस किया, और उससे ही पूरी पॉलिटिक्स जो है, पूरी राजनीति जो है, और पूरा इतिहास आपका इनका जो है, भारत का जो बदलता है वो बंगाल से ही बदलता है। तो इसको जरूर आप याद रखेंगे, 30-35% का एरिया जो है कवर किया इनने, और स्टेप बाय स्टेप। अब पहले नेक्स्ट वीडियो अपन इसको पढ़ते हैं, ये ट्रेड वॉर, देन उसके बाद फिर अपन बंगाल पे आएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी एक नई नई जानकारी आपको मिलती जाएंगी कि किस तरह से ये ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे भारत में कब्जा कर लिया, और धीरे 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 करके हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम इससे कैसे निपटे, और आपस में ही एक दूसरे की तोड़ फोड़ करके एक दूसरे की लड़ाई करवा करवा के और ये पूरे भारत पे जो है आधिपत्य करते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट वीडियो के बाय। हेलो स्टूडेंट, तो जैसे भी फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि हिस्ट्री के पार्ट्स देखे आपने, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से हमने मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में, और फिर अब आगे ये सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में अपन ये देख रहे हैं कि सरकमस्टेंसेस किस तरह से भारत के खिलाफ बनती गई। पहले जैसे मुगलों का शासन था, आपने
मिडिल हिस्ट्री में देखा हुआ है। तो ये परिस्थितियां कैसे इस तरह से बनी कि भारत जो है बाद में अंग्रेजों का गुलाम हो गया, जैसे आम भाषा में सब आप लोग जो है सुनते हैं, फिर हमारा ये स्ट्रगल हुआ। तो इस पे आप देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो चेंजेस आए, पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया था, इस पे आप देखेंगे 1608 में जहांगीर ने अनुमति दी किसको, है ना। फिर दूसरा 1615 में ये हाकिंस आए थे, 1608 में जहांगीर ने इनको अनुमति दी, और उसके बाद 1615 में फिर थॉमस रो आए। इन दोनों लोगों ने मिलकर 1615 में ये 31 दिसंबर 16 में पहला सूरत वेस्ट में और ईस्ट में हुगली में बंगाल में किसने, अंग्रेजों ने ये फैक्ट्री स्थापित की बिजनेस करने के लिए। अब क्या क्या बिजनेस इसमें करेंगी ये, स्पेसिस कॉटन, रॉ सिल्क, सुगर, टेक्सटाइल, इंडिगो, ये बिजनेस करने के लिए इन लोगों ने ये फैक्ट्री स्थापित किया। कहां पे, दो जगह पे। फिर उसके बाद फिर से आप देखेंगे यहां पे शाहजहां ने 1661 में कासिम बाजार और पटना में अनुमति दी, और उसके बाद जो है ये दोनों जगह शाहजहां ने अनुमति दी। और जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब के आने पे औरंगजेब ने ट्रेड फ्री एक फरमान जारी किया कि ये जो है इनको निशुल्क जो है पूरे भारत में टैक्स फ्री फरमान जारी कर दिया कि बिजनेस करने की अनुमति दे दी, स्पेशली बंगाल में। अब उसके बाद आप यहां देखेंगे कि ये बिजनेस इधर कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये अंग्रेज कर रहे हैं, ब्रिटिश कर रहे हैं। भारत में लोग आप पहले देखेंगे, जैसे पहले सब लोगों को ये पता है कि 1498 पहला नाविक आया वास्को डी गामा, तो मींस क्या हुआ, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज आए, फिर भारत में कौन आया, डच आए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा और बहुत बड़ा बिजनेस का एक हब था, और ये विदेशियों को ये समझ में आ गया कि यहाँ बहुत अच्छा व्यवसाय हम करके लाभ कमा सकते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, देन ब्रिटिश, और फिर फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी, और इस तरह से ये चार आप देखेंगे विदेशी यहाँ पे भारत में आए। लेकिन मेन जो इनका डच का था, ज्यादा विस्तार नहीं हुआ बिजनेस का, थोड़ा सा गोवा और बॉम्बे में जो है पुर्तगीज का विस्तार हुआ, और मेन जो डेवलप करने में सफल रहे वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सफल रहे। अब यहाँ पे आगे इन दोनों के बीच में जो है काफी ट्रेड वार चलता है, एक व्यवसायिक जो कंपटीशन चलता है इन दोनों के बीच में ही चलता है। तो फ्रांसीसियों ने कहाँ कहाँ पे, चंदन नगर में, बंगाल में, माही में, केरला में, और पुंडुचेरी में, ये यहाँ पे पुंडुचेरी से इसका डुप्ले इनका फ्रांसीसी गवर्नर था, उसका सबसे ज्यादा नाम अभी आगे आप देखेंगे, तो यहाँ पे गवर्नर बनाया पुंडुचेरी का, और ये तीन जगह पे फैक्ट्री स्थापित किया इन लोगों ने, फ्रांसीसियों ने, और उनने भी अपना व्यवसाय विस्तार चालू किया। और यहाँ आपने अंग्रेजों का देख ही लिया है कि ये दोनों जो है सूरत में और हुगली में बंगाल में इन लोगों ने अपना व्यवसाय, पहली फैक्ट्री स्थापित करी, और बाद में फिर इनको शाहजहां ने 1661 में कासिम बाजार जो बंगाल में है, और पटना आप जानते ही हैं प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र, अच्छे से बच्चे जानते होंगे, यहां पे इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। यहां पे एक घटनाक्रम और बीच में आता है जो अंग्रेजों के पक्ष में जाता है। एक बड़ी घटना एक होती है कि जो चार्ल्स द्वितीय था, जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन का, तो वहां पे क्या होता है, पुर्तगीज जो राजकुमारी है उसके साथ शादी हो जाती है प्रिंसेस की 1668 में, और इनको दहेज में, डॉरी में इनको दे दिया जाता है क्या, मुंबई। अभी पुर्तगालियों ने दो ही जगह अपना व्यवसाय स्थापित किया था, जो सबसे ज्यादा इनका व्यवसाय बिजनेस जो है आगे बढ़ा था वो था मुंबई में। और यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय की शादी में 1668 में मुंबई दे दिया गया किसको, अंग्रेजों को दे दिया गया। तो ये एक अंग्रेजों के लिए, ये ब्रिटिश के लिए और एक प्लस पॉइंट जो है, मील का पत्थर साबित हुआ। और उधर भी महाराष्ट्र में उस तरफ भी इन लोगों ने अपने व्यवसाय बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनको एक और अच्छा मौका मिल गया। तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम होता है भारत में। औरंगजेब के साथ में रहते हुए भी यहां से आप देखेंगे कि जहांगीर से स्टार्ट होता है 1608 में, और उसके साथ आप देखेंगे यहाँ पे कासिम बाजार और पटना में शाहजहां के समय में, और इन लोगों ने औरंगजेब से भी
बिजनेस अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए अनुमति लेने में सफलता हासिल कर ली और बंगाल में जो है और कई जगह पे इनके व्यवसाय का विस्तार हुआ और आगे बढ़ता चला गया। और दो ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में दो व्यवसायी आ गए व्यवसाय करने में, फ्रांसीसी और ब्रिटिश दो लोग आ गए और दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ और ये इस तरह से कंपटीशन बढ़ा कि युद्ध तक जा पहुंचा भारत में। यहां पे अब यहां परिस्थितियां क्या हुई, यहां पे औरंगजेब के बाद विस्तार खत्म हुआ छोटे छोटे। यहां पे आप देखेंगे मैंने एक छोटा सा वर्ड यूज किया है कि सूबेदार और जमींदार, छोटे छोटे सूबेदार और जमींदार बहुत सारे भागों में डिवाइड हो गए। जो एक विस्तार भारत का था और एक केंद्रीय शक्ति थी दिल्ली में जो सभी आक्रमण को और आक्रांताओं को दूर भगा के और एक रखने का काम करता था, वो खत्म हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे सूबेदार और जमींदार ने इसकी भूमिका ले ली। उधर आप पंजाब में रणजीत सिंह और सिखों का उदय हो गया, उधर आप हैदर अली को सुनेंगे, साउथ में अभी आगे इसमें एक लेसन आएगा हैदर अली और टीपू सुल्तान का आप देखेंगे, वो हो गए। इधर मराठे हो गए और इस तरह से करके बंगाल में अलग अलग नवाब हो गए, वो भी तीन चार लोग छोटी छोटी एरिया को डिवाइड कर दिया और इस तरह से पूरे भारत में एक कोई बड़ा कोई ऐसा आदमी नहीं बचा, कोई ऐसा राजा नवाब नहीं बचा जो अंग्रेजों को या फ्रांसीसियों को कम्पीट कर पाए या उनकी बातों को समझ भी पाते। तब तक इन दोनों के व्यवसाय काफी आगे बढ़ चुके थे और दोनों के बीच में व्यवसाय बढ़ाने के लिए युद्ध तक स्थितियां जा पहुंची, उनका डिस्कस हम वीडियो थर्ड में करेंगे। अब जब इनका दोनों का आपस में लड़ाइयां होंगी, युद्ध होंगे, उस पर फिर कौन जीतता है और आगे कौन फिर कंटिन्यू यहाँ पे रह पाता है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस पे यहां तक अपन क्लियर करते हैं कि अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड वार चालू हो गया किसका, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। अब इस वार का अपन जो है नेक्स्ट थर्ड वीडियो में डिस्क्राइब करके फिर भारत की स्थितियां क्या होती फिर आप देखेंगे एक नई चीज सामने निकल के आएगी। इस पे एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर आपको बता दूं कि भारत का जो है लगभग 30% जो हिस्सा था, 30 से 35 कह सकते हैं, वो आपका उस समय बंगाल कहलाता था। बंगाल में उस समय आपके उड़ीसा, आपका बिहार, अभी आपके बहुत सारे और भी एक दो स्टेट बन गए हैं, वो सब उधर ही थे आपका। और भारत के अंदर पूरा उधर बांग्लादेश तरफ की पूरी सीमा इसके अंदर थी और बहुत बड़ा एक एरिया कहलाता था और जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ था, व्यापारियों को अपने व्यवसाय करने के लिए एक बहुत अच्छा जो है रास्ता उनको मिल गया था। और वही एक ऐसा समुद्री तट था जहां से विदेश और यूरोप में सभी जगह हम व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते थे, रॉ मटेरियल ला सकते थे, भेज सकते थे। और सबसे पहले इन लोगों ने उस पर ही नजर रखी कि वही एक ऐसा बंदरगाह था, एक ऐसा एरिया था जहां से हम व्यवसाय को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, जिस पे आगे फोकस किया और उससे ही पूरी पॉलिटिक्स जो है, पूरी राजनीति जो है और पूरा इतिहास आपका इनका जो है भारत का जो बदलता है वो बंगाल से ही बदलता है। तो इसको जरूर आप याद रखेंगे, 30-35% का एरिया जो है कवर किया इनने। और स्टेप बाय स्टेप अब पहले नेक्स्ट वीडियो अपन इसको पढ़ते हैं, ये ट्रेड वॉर, देन उसके बाद फिर अपन बंगाल पे आएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी एक नई नई जानकारी आपको मिलती जाएंगी कि किस तरह से ये ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे भारत में कब्जा कर लिया और धीरे 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 करके हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम इससे कैसे निपटे और आपस में ही एक दूसरे की तोड़ फोड़ करके एक दूसरे की लड़ाई करवा करवा के और ये पूरे भारत पे जो है आधिपत्य करते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट वीडियो के बाय। हेलो स्टूडेंट, तो जैसे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि हिस्ट्री के पार्ट्स देखे आपने, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से हमने मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में। और फिर अब आगे ये सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में अपन ये देख रहे हैं कि सरकमस्टेंसेस किस तरह से भारत के खिलाफ बनती गई। पहले जैसे मुगलों का शासन था आपने मिडिल हिस्ट्री में देखा हुआ है, तो ये परिस्थितियां कैसे इस तरह से बनी कि भारत जो है बाद में अंग्रेजों का गुलाम हो गया, जैसे आम भाषा में सब आप लोग जो सुनते हैं, फिर हमारा ये स्ट्रगल हुआ। तो इस पे आप देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो चेंजेस आए, पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया था, इस पे आप देखेंगे 1608 में जहांगीर ने अनुमति दी किसको, है ना,
फिर दूसरा 1615 में ये हाकिंस आए थे 1608 में, जहांगीर ने इनको अनुमति दी, और उसके बाद 1615 में फिर थॉमस रो आए, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1615 में ये 31 दिसंबर 16 में पहला सूरत वेस्ट में और ईस्ट में हुगली में बंगाल में किसने अंग्रेजों ने ये फैक्ट्री स्थापित की बिजनेस करने के लिए। अब क्या क्या बिजनेस इसमें करेंगी ये स्पेसिस कॉटन रॉ सिल्क सुगर टेक्सटाइल इंडिगो ये बिजनेस करने के लिए इन लोगों ने ये फैक्ट्री स्थापित किया कहां पे दो जगह पे। फिर उसके बाद फिर से आप देखेंगे यहां पे शाहजहां ने 1661 में कासिम बाजार और पटना में अनुमति दी, और उसके बाद जो है ये दोनों जगह शाहजहां ने अनुमति दी, और जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब के आने पे औरंगजेब ने ट्रेड फ्री एक फरमान जारी किया कि ये जो है इनको निशुल्क जो है पूरे भारत में टैक्स फ्री फरमान जारी कर दिया कि बिजनेस करने की अनुमति दे दी स्पेशली बंगाल में। अब उसके बाद आप यहां देखेंगे कि ये बिजनेस इधर कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये अंग्रेज कर रहे हैं, ब्रिटिश कर रहे हैं। भारत में लोग आप पहले देखेंगे, जैसे पहले सब लोगों को ये पता है कि 1498 पहला नाविक आया वास्को डी गामा, तो मींस क्या हुआ सबसे पहले कौन आए पुर्तगीज आए, फिर भारत में कौन आया डच आए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा और बहुत बड़ा बिजनेस का एक हब था, और ये विदेशियों को ही समझ में आ गया कि यहाँ बहुत अच्छा व्यवसाय हम करके लाभ कमा सकते हैं, तो सबसे पहले पुर्तगीज फिर डच देन ब्रिटिश और फिर फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी, और इस तरह से ये चार आप देखेंगे विदेशी यहाँ पे भारत में आए, लेकिन मेन जो इनका डच का था ज्यादा विस्तार नहीं हुआ बिजनेस का, थोड़ा सा गोवा और बॉम्बे में जो है पुर्तगीज का विस्तार हुआ, और मेन जो डेवलप करने में सफल रहे वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सफल रहे। अब यहाँ पे आगे इन दोनों के बीच में जो है काफी ट्रेड वार चलता है, एक व्यवसायिक जो कंपटीशन चलता है इन दोनों के बीच में ही चलता है। तो फ्रांसीसियों ने कहां कहां पे चंदननगर में, बंगाल में, माही में, केरला में, और पुंडुचेरी में, ये यहां पे पुंडुचेरी से इसका डुप्ले इनका फ्रांसीसी गवर्नर था उसका सबसे ज्यादा नाम अभी आगे आप देखेंगे, तो यहां पे गवर्नर बनाया पुंडुचेरी का, और ये तीन जगह पे फैक्ट्री स्थापित किया इन लोगों ने फ्रांसीसियों ने, और उनने भी अपना व्यवसाय विस्तार चालू किया। और यहां आपने अंग्रेजों का देख ही लिया है कि ये दोनों जो है सूरत में और हुगली में बंगाल में इन लोगों ने अपना व्यवसाय पहली फैक्ट्री स्थापित करी, और बाद में फिर इनको शाहजहां ने 1661 में कासिम बाजार जो बंगाल में है और पटना आप जानते ही हैं प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र अच्छे से बच्चे जानते होंगे, यहां पे इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। यहां पे एक घटनाक्रम और बीच में आता है जो अंग्रेजों के पक्ष में जाता है। एक बड़ी घटना एक होती है कि जो चार्ल्स द्वितीय था, जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन का, तो वहां पे क्या होता है पुर्तगीज जो राजकुमारी है उसके साथ शादी हो जाती है प्रिंसेस की 1668 में, और इनको दहेज में डॉरी में इनको दे दिया जाता है क्या मुंबई। अभी पुर्तगालियों ने दो ही जगह अपना व्यवसाय स्थापित किया था, जो सबसे ज्यादा इनका व्यवसाय बिजनेस जो है आगे बढ़ा था वो था मुंबई में, और यहां पे चार्ल्स द्वितीय की शादी में 1668 में मुंबई दे दिया गया किसको अंग्रेजों को दे दिया गया। तो ये एक अंग्रेजों के लिए, ये ब्रिटिश के लिए और एक प्लस पॉइंट जो है मील का पत्थर साबित हुआ, और उधर भी महाराष्ट्र में उस तरफ भी इन लोगों ने अपने व्यवसाय बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनको एक और अच्छा मौका मिल गया। तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम होता है भारत में औरंगजेब के साथ में रहते हुए भी। यहां से आप देखेंगे कि जहांगीर से स्टार्ट होता है 1608 में, और उसके साथ आप देखेंगे यहाँ पे कासिम बाजार और पटना में शाहजहां के समय में, और इन लोगों ने औरंगजेब से भी बिजनेस अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए अनुमति लेने में सफलता हासिल कर ली, और बंगाल में जो है और कई जगह पे इनके व्यवसाय का विस्तार हुआ और आगे बढ़ता चला गया, और दो ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में दो व्यवसायी आ गए व्यवसाय करने में, फ्रांसीसी और ब्रिटिश दो लोग आ गए, और दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, और ये इस तरह से कंपटीशन बढ़ा
कि युद्ध तक जा पहुंचा भारत में। यहां पे अब यहां परिस्थितियां क्या हुई, यहां पे औरंगजेब के बाद विस्तार खत्म हुआ। छोटे छोटे यहां पे आप देखेंगे, मैंने एक छोटा सा वर्ड यूज किया है कि सूबेदार और जमींदार, छोटे छोटे सूबेदार और जमींदार बहुत सारे भागों में डिवाइड हो गए। जो एक विस्तार भारत का था और एक केंद्रीय शक्ति थी दिल्ली में, जो सभी आक्रमण को और आक्रांताओं को दूर भगा के और एक रखने का काम करता था, वो खत्म हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे सूबेदार और जमींदार ने इसकी भूमिका ले ली। उधर आप पंजाब में रणजीत सिंह और सिखों का उदय हो गया, उधर आप हैदर अली को सुनेंगे। साउथ में अभी आगे इसमें एक लेसन आएगा, हैदर अली और टीपू सुल्तान का आप देखेंगे, वो हो गए। इधर मराठे हो गए और इस तरह से करके बंगाल में अलग अलग नवाब हो गए, वो भी तीन चार लोग, छोटी छोटी एरिया को डिवाइड कर दिया। और इस तरह से पूरे भारत में एक कोई बड़ा कोई ऐसा आदमी नहीं बचा, कोई ऐसा राजा नवाब नहीं बचा जो अंग्रेजों को या फ्रेंसीसियों को कंपीट कर पाए या उनकी बातों को समझ भी पाते। तब तक इन दोनों के व्यवसाय काफी आगे बढ़ चुके थे और दोनों के बीच में व्यवसाय बढ़ाने के लिए युद्ध तक स्थितियां जा पहुंची। उनका डिस्कस हम वीडियो थर्ड में करेंगे। अब जब इनका दोनों का आपस में लड़ाइयां होंगी, युद्ध होंगे, उस पे फिर कौन जीतता है और आगे कौन फिर कंटिन्यू यहां पे रह पाता है, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस पे यहां तक अपन क्लियर करते हैं कि अब यहां पे क्या हुआ, ट्रेड वार चालू हो गया, किसका, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। अब इस वार का अपन जो है नेक्स्ट थर्ड वीडियो में डिस्क्राइब करके फिर भारत की स्थितियां क्या होती, फिर आप देखेंगे एक नई चीज सामने निकल के आएगी। इस पे एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर आपको बता दूं कि भारत का जो है लगभग 30% जो हिस्सा था, 30 से 35 कह सकते हैं, वो आपका उस समय बंगाल कहलाता था। बंगाल में उस समय आपके उड़ीसा, आपका बिहार, अभी आपके बहुत सारे और भी एक दो स्टेट बन गए हैं, वो सब उधर ही थे आपका। और भारत के अंदर पूरा उधर बांग्लादेश तरफ की पूरी सीमा इसके अंदर थी और बहुत बड़ा एक एरिया कहलाता था, और जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ था, व्यापारियों को अपने व्यवसाय करने के लिए एक बहुत अच्छा जो है रास्ता उनको मिल गया था। और वही एक ऐसा समुद्री तट था जहां से विदेश और यूरोप में सभी जगह हम व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते थे, रॉ मटेरियल ला सकते थे, भेज सकते थे। और सबसे पहले इन लोगों ने उस पर ही नजर रखी कि वही एक ऐसा बंदरगाह था, एक ऐसा एरिया था जहां से हम व्यवसाय को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, जिस पे आगे फोकस किया। और उससे ही पूरी पॉलिटिक्स जो है, पूरी राजनीति जो है, और पूरा इतिहास आपका इनका जो है, भारत का जो बदलता है वो बंगाल से ही बदलता है। तो इसको जरूर आप याद रखेंगे, 30-35% का एरिया जो है कवर किया इनने। और स्टेप बाय स्टेप अब पहले नेक्स्ट वीडियो अपन इसको पढ़ते हैं, ये ट्रेड वॉर, देन उसके बाद फिर अपन बंगाल पे आएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी एक नई नई जानकारी आपको मिलती जाएंगी कि किस तरह से ये ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे भारत में कब्जा कर लिया और धीरे 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 करके हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम इससे कैसे निपटे, और आपस में ही एक दूसरे की तोड़ फोड़ करके एक दूसरे की लड़ाई करवा करवा के और ये पूरे भारत पे जो है आधिपत्य करते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट वीडियो के बाय।